असम का जो यूनिक हिस्ट्री है उसके बारे में कोई नहीं जानता। हे गाइस, वेलकम टू रायहान एंड सिस्टर्स। तो आज हम आए हैं मिर्जमाला मजार शरीफ। तो गाइस, हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो सबको ही जानते हैं, लेकिन जो असम हिस्ट्री है उसके बारे में कोई नहीं जानता। और असम हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा यूनिक है गाइस। औरंगजेब के समय पे एक सेनापति था जिसका नाम था मिर्जमाला, एंड वही जो मिर्जमाला है वो मतलब अहम किंगडम इन्वेजन करने के लिए आया था गाइस। गाइस, ये है मिर्जमाला का कब्र। तो ये मुगल सेनापति मिर्जमाला का कब्र है जो एक गारो हिल्स पर लोकेटेड है। जब मिर्जमाला असम आए थे अहम किंगडम को इन्वेजन करने के लिए, तब जाते वक्त वो मतलब अपना जो कैपिटल था ढाका वहाँ तक पहुँचने के पहले उसका डेथ हो गया था। तो उसके बाद गाइस उसका जो मतलब डेड बॉडी है उसको यहीं पर दफनाया गया था, और यही है वो प्लेस जो जिसका नाम पड़ा है मिर्जमाला मजार शरीफ। तो ये आप देख ही सकते हो इसका कब्र कितना ज़्यादा लंबा है। तो गाइस, उस तरफ जाते हैं, चारों तरफ देख लेते हैं क्या क्या है इस मजार शरीफ में। उस ग्रेप का जो लेंथ है वो है 11 फीट, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना मतलब हट्टा कट्टा जनरल था। ये जो प्लेस है इसका नाम है ठाकुरबाड़ी विलेज। असम और मेघालय के बॉर्डर का जो गारो हिल्स है उसी पर दफनाया गया है, उसी पे एक मतलब मजार शरीफ बनाया गया है। इधर का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग देखभाल करते हैं। यहाँ पर आके ना गाइस एक चैन सा मिलता है, मतलब सुकून सा है, बहुत ही शांति है चारों तरफ, और कोई मतलब शोर शराबा भी नहीं है। तो मैं आपको उस तरफ भी दिखाती हूँ। वो रायहान घूम रहे हैं चारों तरफ देख रहे हैं। ये सारे ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इनको लगाया गया और मतलब सुरक्षित भी किया गया। गाइस, इस तरफ है मेघालय जो नीचे दिख रहा है आपको। ये रास्ते से लोग जा रहे हैं। तो इस तरफ मेघालय है और इस तरफ है गाइस मनकासर, और जो असम का एरिया है इस हिस्से में आते हैं। हम घर जा रहे हैं, अभी थक गए हैं, यह चल चल के आपको वीडियो दिखा दिखा के। तो चलिए घर चलते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।